सॉफ्टवेयर रिस्क विथ हिज मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना पड़ेगा मिटिगेशन मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। मिटिगेशन में ये होता है कि अगर कोई रिस्क आया आने अगर हमें पता है कि ऐसे रिस्क आने वाले, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो मिटिगेशन में आएगा। रिस्क आने से पहले हमें पता है कि ये रिस्क आ सकता है, तब मॉनिटरिंग। अगर हम हमारा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तब उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए कि हमें पता है ये रिस्क। मिटिगेशन में हमें पता चल गया कि ये रिस्क आने वाला है, तो हमें सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ता है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में ये रिस्क आया तो आ तो नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही है या किस प्रॉब्लम की वजह से आ सकता है, ये सारे मॉनिटरिंग में आएंगे। मैनेजमेंट, हमारे सॉफ्टवेयर में रिस्क आ गया तब उसको मैनेज कैसे करें, कौन से टेक्निक या कौन से मेथड से यूज करें, वो मैनेजमेंट का है। लेट्स सी द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क विथ इज मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर क्रैश रिस्क, उसका मिटिगेशन में ये है कि जब हमें जब हम हाई लोड का प्रोग्राम या हाई हैवी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई क्रूशियल प्रॉब्लम ना या कंप्यूटर हमारा क्रैश ना जाए। मॉनिटरिंग, जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं या क्रूशियल प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में रन करते हैं तब हमें हमारे सॉफ्टवेयर का या कंप्यूटर का डेवलपमेंट एनवायरमेंट क्या है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। मैनेजमेंट, जब हमारे कंप्यूटर क्रैश हो गया तब हमें उसका हमारे पास उसका बैकअप होना कंपलसरी है। लेट डिलीवरी, मिटिगेशन में इसका है कि हमें जब सॉफ्टवेयर क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब सॉफ्टवेयर क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब हम एक डिलीवरी डेडलाइन फाइनल करते हैं। मिटिगेशन में हमें इतने ट्राई करने चाहिए या इस तरह से रिसोर्स और पीपल और टेक्निकल टीम को हैंडल करना चाहिए कि हम जितनी हो सके उतनी डेडलाइन से नज़दीक डिलीवरी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी दे सके। मॉनिटरिंग में भी हमें यही करना होता है कि हम डेडलाइन के जितने नज़दीक या जितने कम टाइम में हम लेट डिलीवरी करें वो मॉनिटर करना होता है। मैनेजमेंट, अब हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर की डिलीवरी डेडलाइन चली गई पर उसको मैनेज कैसे करें, इसके लिए हमें कस्टमर के साथ बातचीत करनी होगी और कस्टमर को कन्वेंस करना होगा कि वो हमारी डेडलाइन एक्सटेंड करे। चेंजेस इन रिक्वायरमेंट, जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तब एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन कस्टमर हमें कुछ रिक्वायरमेंट देता है और कुछ रिक्वायरमेंट वो देता भी नहीं है, तब हमें ऐसा करना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर इस वे से क्रिएट करना चाहिए कि कस्टमर कोई भी रिक्वायरमेंट दे तो वो हम हमारे सॉफ्टवेयर में इजीली ऐड कर सके। उसका मॉनिटरिंग ये है कि हम इसके मॉनिटरिंग में भी यही कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तब हमें कंटिन्यूसली कस्टमर का फीडबैक लेते रहना चाहिए। इसकी मदद से उसको हमें पता चल जाता है कि कस्टमर कौन से फंक्शनैलिटी ऐड करवाना चाहता है फ्यूचर में। मैनेजमेंट, हमने जब मैनेजमेंट में ऐसा कर सकते कि जब कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट चेंज की तो हमारा प्रोजेक्ट या हमारा कोड इस वे में डिज़ाइन होना चाहिए या उसमें कुछ भी हम चेंजेस करें तो उसकी क्वालिटी चेंज ना हो, उसका फीचर्स चेंज ना हो, कोई इंटरफेस एक दूसरे के साथ डिफेक्ट ना हो, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही ध्यान रखनी चाहिए। डेटाबेस इज नॉट स्टेबल, जब हम डेवलपर डेटाबेस के साथ काम करता है तब वो डिफरेंट फंक्शन के साथ डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें डेटाबेस हम यूज़ करते हैं तब उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, डेटाबेस कनेक्शन में कोई एरर है या नहीं है, वो हमें ऑलवेज मॉनिटर करते रहना चाहिए। मैनेजमेंट, जब डेटाबेस नॉट स्टेबल हो गया तब उसको मैनेज करने के लिए हमें कौन सा इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं या कौन सी मेथड यूज़ कर सकते, वो सारा मैनेजमेंट में आएगा। एंड यूज़र रेसिस्टेंस सिस्टम, जब एवरी हर एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसमें यूज़र को हमें हमारे सिस्टम इस वे से डिज़ाइन करनी चाहिए कि वो यूज़र को बेटर इंटरफेस प्रोवाइड कर सके। मॉनिटरिंग, हमें ऑलवेज मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हमने जो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं या जो भी इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़र को सूटेबल है या नहीं, एंड यूज़र उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट,
जब हमें ऐसी कुछ सिस्टम या ऐसा कुछ इंटरफेस हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट में डाल दिया, उसके बाद उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें ऐसी इस वे से हमारे सॉफ्टवेयर या हमारे कोड को क्रिएट करना चाहिए कि उसमें कुछ भी चेंज करे तो हमें पता हो कि कहाँ हमने चेंज किया, तो उसके वजह से हम उसको रिमूव या कुछ भी ऐड करना हो तो हम ऐड कर सके।